हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंश एसटीडी गुरु में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश से। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप रिजल्ट अपना कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हों चाहे वो पीजी कोर्सेज के हों। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जामिनेशन कराए गए, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी घोषित किया, हालांकि कुछ स्टूडेंट देख भी लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं चेक कर पाए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जान लेते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ये आप जान लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको यहां जैसा कुछ दिख रहा होगा, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन स्कीम, रिजल्ट, मार्कशीट, इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा जैसा कि देख रहे हैं, लिखा हुआ है परिणाम। देखें, अभी 2020 के लिए जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और जो 2021 का देखना चाहते हैं, तो मैं 2021 की बात कर लेता हूं। 2021 पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यू रिजल्ट आपका यहां मेंशन कर देगा 2021 और 22। अब उसके बाद क्या करना है ये आप जान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इसमें से 2022 का अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं देखना वो भी देख सकते हैं, 2021 का चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अब मान लेते हैं 2022 का आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके बैचलर इन फार्मेसी सेमेस्टर, LLB फर्स्ट सेमेस्टर, LLB फोर्थ सेमेस्टर, और फिर LLB थर्ड सेमेस्टर, LLB फोर्थ सेमेस्टर। तो इस प्रकार से जो 5 ईयर के कोर्सेज हैं उन सभी का रिजल्ट जारी किया गया है। MEAT फर्स्ट ईयर BCA के बैक पेपर का भी आपका जारी किया गया है, और फिर MEAT सेकेंड ईयर का बैक पेपर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और MBBS थर्ड सेमेस्टर का जो प्रोफेशनल पार्ट टू का है वो आपके 31 मई को रिवील कर दिया गया है। BEd के जारी कर दिए, BA सेकेंड ईयर, LLB, LLB, MBBS और BPES, तो LLM, तो इस प्रकार से MSc, BDS, 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 BDS जैसा कि आज अभी जारी किया गया रिजल्ट, चाहे जो सेमेस्टर का हो। जैसे BDS का अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर था, आज ही रिजल्ट जारी किया गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इसमें जैसे कि देख रहे हैं आपका परिणाम, इसमें आप कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एकेडमी में अगर आप पढ़ते हैं तो आप परिणाम पर क्लिक करके व्यू देख सकते हैं। अगर सरदार पटेल दंत चिकित्सा विज्ञान लखनऊ संस्थान में पढ़ते हैं तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ में पढ़ते हैं तो भी वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ है, आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं लेकिन कुछ लोगों का जवाब नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि कुछ इधर उधर का भी ज़्यादा ही काम हो जाता है, इस वजह से मिल नहीं पाते, आप सभी का जो आंसर होता है नहीं दे पाते हैं। लेकिन हालांकि इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप सभी का इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जो कि आपके जितने भी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस होंगे वो पर वीक में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन को उनको आंसर दिया जाएगा, एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपके जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन किए रहेंगे उस क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।